Thank <laughs> चला बैंड। थैंक्स। पिछले दिनों मैंने एपिसोड की थी इन्वेस्टमेंट इंड साथ ही स्टार्टअप्स के ऊपर भी की थी और आप लोगों ने मुझे कहा कि इस तरह की मजदूत कानवर्सेशन की जाए मैंने फिर इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोल किया जिससे मैंने लोगों से पूछा कि आप लोगों के पास कितनी यू नो पैसे पड़े हुए हैं कितने लोग करना चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैंने उसमें एक ये डाला था कि लाख से ऊपर कितने लोगों के पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है या सेविंग पड़ी हुई है तो मैंने जब को रेलेट किया पांच लाख को मल्टीप्लाई किया विद अमाउंट ऑफ पीपल हुट के हैव मोर देन फाइव हंड्रेड थाउजेंड रुपीज तो वो तकरीबन तीन से चार अरब रुपए बन रहे थे और आई आई फैसिनेटेड कि चार अरब रुपया सिर्फ मेरे फॉलोअर्स में जो है वो जैसे कहते हैं ना कि बस पड़ा हुआ है और वो वो हो रहा है एवरी पासिंग डे सो आई थॉट कि आई थिंक बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम ऐसी कॉन्वर्जेसन करें और हम थोड़ा समझें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या किस तरह हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर कर सकते हैं किस तरह से हम डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं टू यू नो फर्दर ग्रो आर इन्वेस्टमेंट एन आर नेट वर्थ और उसके लिए मैंने आज बुलाया है एक बड़े खास मेहमान को ही वॉज विद मी

और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं डेटा के बाद बड़ी अच्छी आपने एक फील्ड पकड़ ली है थैंक यू सो मच लाइक भाई मुझे ये बताइएगा मैं आई एम जस्ट डाइव राइट सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट मैं बेसिक सी बात पूछूँ इन्वेस्टमेंट होती क्या है और इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है या क्या हम इन्वेस्टमेंट के बगैर भी रह सकते हैं क्योंकि थाट ये होती है पाकिस्तान में जनरली थाट ये होती है कि यार काम चल रहा है पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है इन्वेस्टमेंट इज़ अस टू हैव हालांकि ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट यह है कि इन्वेस्टमेंट इज अस नेटी बिल्कुल तो आपका इस पर क्या तसरा है अच्छा हम दोनों क्योंकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो इकोनॉमिकली हमेशा चीज़ें नहीं पता लेकिन मैंने पिछले कुछ अर्से के अंदर काफ़ी आई uh, थिंक ठोकरे खाकर कर घेर कर <laughs> चीज़ें कुछ समझी हैं right. और जो टेक्नोलॉजी या जो चीज़ मुझे समझ आई है ठीक है वो मैं उसी तरह आपके व्यूअर्स को भी दिखाना बताना चाहूँगा जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है इन्वेस्ट करना ठीक है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस राइट दिस इज लर्निंग ठीक है तो लेट से जी मैंने पहले भी एक दफ़ा ये एक वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास दस हज़ार रुपये होते टू थाउजेंड रुपी टू थाउजेंड के अंदर ठीक है नॉर्मली जो आप गुड्स अपने डेली रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए आप परचेज़ करते हैं वो दस हज़ार रुपये में जो आप दो हज़ार में कर सकते थे टू थाउजेंड ट्वेंटी के अंदर आपको फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ चाहिए टू इन टू बेसिकली बाय द सेम थिंग्स जो कि आप दो हज़ार के अंदर दस हज़ार में कर सकते अच्छा जी जी तो आइडिया ये है कि दस हज़ार रुपये को आपने क्या करना था दो हज़ार में कि आज जो आपकी फोर्टी फोर थाउजेंड की नीड है उसको आप फुलफिल कर सके ठीक है दिस इज़ द बेसिक एक क्वेश्चन है और ऑब्वियसली रिलेटेड है इन्फ्लेशन के साथ द पीरियड ऑफ़ टाइम आपकी इकोनॉमी जिस तरह ग्रो की है जिस तरह हुआ है आपका रुपया वैल्यू हुआ है और इतना वैल्यू हुआ है कि दस हजार की चीज आज 44,000 हजार रुपए में आपको मिल रही है ठीक है राइट right. अब हम मैं आपको वैसे बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए था टू के अंदर ठीक hmm. है ताकि आपको आज उसकी वर्थ जो थी आप रिटेन कर सकते पहली चीज है कि फॉर एग्जांपल हम इस पर सिर्फ फोकस करेंगे लिक्विड एसेट्स के ऊपर लिक्विड एसेट्स जो कि आप जाकर सेल और परचेज कर सके ठीक right. है मैं आई विल नॉट जंप इनटू रियल स्टेट सो अगर आपने दस हजार रुपए के यूएस डॉलर्स लिए होते आज उनकी वर्थ होती थर्टी टू ठीक है सो यू आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन राइट आपकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ तो गई है लेकिन यह कि स्टिल आपने लूज किया थोड़ा सा ठीक है अगर आपने इन्वेस्ट किया होता गोल्ड के अंदर आज उसकी वर्थ होती वन सिक्सटी थाउजेंड रुपीज ठीक है ठीक है अगर आपने इन्वेस्ट किया होता बॉन्ड्स के अंदर जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं आज उसकी वर्थ होती है सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज राइट right. और अगर आपने इन्वेस्ट किया होता स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज उसकी वर्थ होती थ्री फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज अच्छा ठीक है तो अब मैं अब आपके व्यूअर्स काफी ये कहेंगे यार अच्छा यार हमें तो यही करना चाहिए था कि दस हजार के दस हजार हमें ना स्टॉक एक्सचेंज में थे आई एम नॉट इन दैट फेवर ठीक है रीजन बी इट्स ए वेरी रिस्की मार्केट ठीक है काफी पहले भी हमारी ये बात हुई थी कि एक प्रोफाइल बनाकर आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हाँ, हैं अब मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल हंड्रेड थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड में इन्वेस्ट किए होते मैं कंपाउंड की भी बात नहीं कर रहा और right. कि आपने चार बकेट्स बनाई है जो चारों एसेट्स मैंने आपको बताए राइट right. अगर आपने ट्वेंटी फाइव परसेंट विच इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड के अंदर आपने यूएस डॉलर में रखे थे आज उस ट्वेंटी थाउजेंड की वर्थ होती अच्छा ठीक है अगर आपने वही ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वर्थ होती फोर हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ ठीक है आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वर्थ होती 187,000 वन एटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ ठीक है और इसी तरह अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए होते तो आपकी आज वर्थ होती 887 है एट एटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ अच्छा अब अगर आपने ये अपना पोर्टफोलियो मतलब बिल्ड ये मैं है। कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पच्चीस हजार रुपए मैंने डाले हैं मैंने एक लाख रुपया नहीं डाला स्टॉक में आपने चार डिफरेंट एसेट में पच्चीस 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 और कंबाइंड रिटर्न आपको मिलियन मिल रहा है इंटरेस्टिंग और आपको जो रिटर्न मिल रहा है ये लेस लेस आप पे टेंशन है एक लिहाज से ठीक है देखिए स्टॉक एक्सचेंज की जब हम रिटर्न की बात करते हैं और जब हम बीस साल को एनालाइज करते हैं टू के अंदर आपका नाइन इलेवन हुआ इंटरनेट बबल भी बस्ट हुआ फिर आपका टू भुट्टो right. शहीद में बिल्कुल आयादेज मुशरफ साहब की एग्जिट हुआ right. है। फिर, भी आया। right. है। फिर आपके पास फॉर एग्जांपल 2000 उससे लेकर अब तक आप देख रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के आने से पहले भी नवाज शरीफ साहब जब गए थे उस उसके बाद भी कितने इवेंट तो ये स्टॉक एक्सचेंज इतने इवेंट्स के बाद भी आपको इतना बेहतर रिटर्न दे रही है राइट 2008 के मार्केट क्रैश के अंदर लोगों का पैसा लूज हुआ, लूज हुआ है? तो मैं आपको यह बता रहा हूं पोर्टफोलियो तो बिल्ड का रिटर्न नहीं मिल रहा तो यू स्टिल हैव 75 परसेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन हैंड जो कि आप उससे रिटर्न ले सकते हैं ठीक है राइट right. तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपको एक जगह पे यू डोंट नीड टू पुट ऑल योर एग्ज इन वन बास्केट मेक योर बास्केट रिस्क प्रोफाइल कर लें अच्छा उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस आपकी आपकी एज से भी होता है ठीक है राइट इन एल्डरली एज इन लेस या जो है आप स्टॉक एक्सचेंज में कम रिस्क लेते हैं बिकॉज यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड टू बेसिकली सी टेन फिफ्टीन ईयर बट अर्ली ट्वेंटीज जिस तरह आपकी ऑडियंस बहुत यंग है ठीक yeah, है बिल्कुल वो स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा रिस्क ले सकती हैं अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेकर आपने ये एक पूरा प्लान अपना बनाना है ठीक है आई एम नॉट कि ये तो चले अच्छी चीज थी ना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड छोड़ के भूल गए होते और आज आपको रिटर्न रिटर्न मिल गया होता है बट यू नीड टू मेक ए प्लान अराउंड इट ठीक है आप right. कह सकते हैं यार कि मेरी सैलरी हंड्रेड थाउजेंड है या फिफ्टी थाउजेंड है

By कितना एक का रिस्क था हरे के लिए एवरी वन वॉज थिंकिंग यार बिजनेस नहीं आएगा लूज जॉब बट आई नीड टू इंश्योर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स की अगर बीस right. साल बाद में ये छोटी छोटी चीजें करता रहूंगा uh. तो आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स आई डोंट नीड टू फुल रिलाई ऑन माई जॉब राइट पैसे इनकम आ रही है और उसको बड़ा अच्छा आप ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं ना फॉर एक्जाम्पल मेरी नीड है कि हंड्रेड थाउजेंड मैंने करना है ठीक है सो टेन परसेंट ऑफ द डिविडेंड यील्ड इज ट्रांसलेटेड इन टू हंड्रेड थाउजेंड ठीक है तो आपके पास एसेट एक करोड़ रुपए का होगा तो आपको दस लाख रुपए मिलेंगे जो कि मंथली आपकी इनकम को करेंगे लेकिन right. एक करोड़ रुपया आज के दिन में अगर आप लेने जाएं तो यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट राइट बट आप उसको सिस्टमेटिक प्लान एक बना सकते हैं आप कह सकते हैं यार ठीक है मैं ना फाइव पर मंथ और मेरी सैलरी अगर इंक्रीज होती है इट विल इंक्रीज टू समथिंग एल्स एज वेल I will gradually put my asset in this particular basket. मैं ये चीज लेता रहूंगा लेता रहूंगा Regardless के मार्केट ऊपर है नीचे है साइड पे है क्या कर रही है I don't mind. ठीक mm. है आई विल डू आई विल डिसप्लिन माई सेल्फ एंड आई विल इन्वेस्ट इन all these assets as well. ठीक right. है Right. So this is how you can achieve it. ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज के दिन पे करोड़ पे की investment करके बैठ जाएं, but there should be a plan, there should be a goal जो कि आपने set करना है जो आपने करना है Right. थीक? Makes sense. अच्छा uh, ये आपने बड़ा interesting बात बोली कि uh, you know stocks के अंदर अगर आप डाल दें तो यू uh, नो you know, से इतना वो आ जाएगा इसमें मुझे दो प्राइम प्राइमरी चीज़ें समझ आती हैं uh, पहला तो मुझे ये समझ आता है कि और दो सवाल आते हैं पहला तो ये सवाल आता है कि भाई मुझे क्या पता कि मैं कौन से स्टॉक में mm -hmm. बहुत स्टॉक होगा जो चढ़ा होगा बहुत mm -hmm. स्टॉक होगा होगा जो फेल हो गया शायद कंपनी बैंक हो गई हो सो बात है ना गोल्ड चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा mm -hmm. uh, दुनिया किस तरफ जा रही है

कि गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली टू मंथ की सैलरी एक साल की आपको रिबेट में मिलेगी ठीक है सो माई फर्स्ट एक सेकेंड क्या मतलब बड़ा जमीन सो दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक महीने की सैलरी पे एट थाउजेंड रुपीज टैक्स डिडक्ट होता है हंड्रेड थाउजेंड की सैलरी है आई डोंट नो वट इज दट फिगर सो एट थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ यू गेट रिबेट और ये आपने गवर्नमेंट से क्लेम नहीं करना ठीक है आपने क्या करना है कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड से टैक्स क्लेम करना है जो सर्टिफिकेट क्लेम करना है जो सर्टिफिकेट होगा वो आपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में देना है फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी सैलरी ही नहीं काटेगा

विद इन टू थ्री मंथस मुझे ट्वेंटी सिक्स परसेंट का रिटर्न मिला मैंने हंड्रेड थाउजेंड आई थिंक इन्वेस्ट किए थे और मुझे म्यूचुअल फ़ंड ने वन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड मुझे कैश आउट मैं जब किया तो क्या तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया यार ये म्यूचुअल फंड क्या कर रही है ना कि इन्होंने मुझे इतना रिटर्न दिया सो आई फाउंड आउट कि यार ये तो पैकेंड पे आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें अब स्टॉक क्या बला होती है मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था सो इट टुक मी अंदर द्री टू फोर वीक्स कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि मैंने के है। है? मैं दी, day, ब्रोकर के साथ अकाउंट कैसे खोलना है ठीक है मैं सैलरी स्लिप दी ये दिया वो दिया अकाउंट खोल गया एंड देन वन फाइन डे मेरा अकाउंट ब्रोकर के साथ खोल गया एंड आई वट आई डेट कि मैंने हंड्रेड थाउजेंड ना कैश आउट कराया म्यूचुअल फंड से right. और मैंने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक के अंदर डायरेक्टली एंड विदाउट एनी डायरेक्शन उस वक्त मुझे मुझे आई थिंक एक चीज जो मैंने सही की थी आई थिंक आई नेवर वेंट फॉर इस ए कंपनी इज नॉट गुड फंडामेंटली ठीक है कुछ मैंने चीजें देखी थी जिस तरह ऑयल कंपनीज होगी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था एंड आई वाज थिंकिंग यार मुझे बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा आई वॉज बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन कंपनियां रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड क्या देती उसमें थीक 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 है उसमें ठीक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोला क्या कि फंडामेंटल्स जी वट आर फंडामेंटल किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हुए पहले मैं आपको ये पिछले सवाल का मैं आंसर कर कि मेरा फिर अच्छा मैं जब स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा था ना तो मैं बड़ा एक स्टॉक को ना साइलो में देख रहा था कि ये right. यार ये फॉर एग्जांपल अगर ये पीएसओ की कंपनी है ना पी hmm. एस की कंपनी की स्टेटमेंट क्या है इनकम स्टेटमेंट क्या है किस तरह की इनके रिजल्ट आ रहे हैं और किस तरह वो कर रही है बट लेटर वन आई फाउंड आउट और मैं ये बता दूँ कि मैं दो जब से मैंने इन्वेस्ट किया मैं दो तीन साल तक अपना कैपिटल लॉस बुक करता रहा हूँ रीज़न बींग कि मैं फंडामेंटली कंपनी को तो कर रहा था लेकिन मैक्रो इकोनॉमिकली Was going in a जिस right. आप देख सकते हैं नवाज शरीफ साहब के मनी की इकॉनमी uh. right. लेकिन मैं पी एस ओ में इम्पैक्ट कर रहा था मुझे नहीं पता था कि यार पी एस ओ तो इम्पोर्ट करती है ऑयल uh. जब पी एस ओ ने इम्पोर्ट किया होगा तो उनको ज्यादा पैसे पड़े होंगे जब उन्होंने सेल किया होगा आमदनी आपकी रुपये में आ रही है एक्सपेंस आपका डॉलर में हो रहा है तो डेट विल इम्पैक्ट यूस जो भी अर्निंग पर शेयर है सो देन नाउ आई रियलाइज के यार जब इकोनॉमी हमारी इतनी बुरी थी और जब आपका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने चेंज किया सो दैट इज एन इंडिकेटर फॉर एन इन्वेस्टर के यार स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट द राइट प्लेस देखिए जब right. भी आप स्टॉक एक्सचेंज में नए ना यू नीड टू मेक एन एजुकेटेड कैस के मुझे 18 परसेंट का रिस्क ले रहा हूं ताकि मुझे 18 परसेंट का रिटर्न मिले mm. बेशक वो 200 परसेंट मिले लेकिन दिस इज एन एजुकेटेड रिटर्न विच आई एम एमिंग फॉर ठीक है अब होता क्या है कि जब आपके बैंक या जो भी चीजें हैं वो आपको 14 का विदाउट टेकिंग एनी रिस्क रिटर्न दे रही हैं. हाँ. So extra, है सो इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट एक्स्ट्रा रिस्क टू गेट फोर परसेंट एक्स्ट्रा ठीक है राइट सो दैट टाइम आई रियलाइज नाउ आई रियलाइज यार इकोनॉमिकली थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड फॉर द कंट्री आई वॉज इन द स्टॉक मार्केट और जो सारी चीजें डिप्लीट हुई है पीरियड ऑफ टाइम ट दाई फिफ्टी फोर थाउजेंड और फिफ्टी फाइव थाउजेंड आई वॉज इन दर्किट एमिंग थाउजेंड पे जाएगा बट इट केम लो 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 आई वॉज बुकिंग विदाउट रियलाइजिंग पीछे कोई एक साइंस है ना जो चल रही है देन वट आई डेड आई थिंक एटीन मंथ से गो वेड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरे अपने ऊपर थी ठीक है प्लेटफॉर्म right. तो बहुत बात की चीज आ गई वट आई डेड कि मैंने पहले टेक्निकल मैंने कहा शायद फंडामेंटली मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो इज जैसे साइंस में डेट के यार ये कैंडल बार स्टेक जो टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह हैं वी नीड टू स्टडी इट टू मेक सम मनी आई एम डेड मेक सम मनी आउट ऑफ इट बट टाइम I I के मैं हमेशा एक uh, स्क्रीन के साथ आई टूक अन कोर्स ठीक है विच बेसिकली गेव मी फुल माइक्रो इकोनॉमिकली माइक्रो इकोनॉमिकली एक कंट्री को किस तरह आपने स्टडी करना है और कौन से इंडिकेटर होंगे विच विल टेल यू यार्टिकुलर आपने ऑनलाइन अच्छा एक, एक तो सिकंदर से थे जिनका बिकॉज ही था. था ये ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू ही मैंने कहीं पे देखा था और उनका आच्छा. मैंने किया था एंड वी आर स्टिल ने किया हुआ एंड वी आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद मार्केट और जो भी चीजें चल रही हैं एक कोर्स मैंने लिया था अमार साहब का मैं अगेन ओपनली नाम ले रहा हूँ बिकॉज दैट कोर्स रियली हेल्प मी टू डिजाइन दिस होल प्लेटफॉर्म जिसपे हम अभी बात करेंगे राइट दैट कोर्स अब ये सारी इन्वेस्टमेंट मैंने अपने आप पर की थी बट इन द हाइड साइड मैं जो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा था मुझे इंडिविजुअुअली बहुत बेनिफिट मिला है मैंने बड़े अभी हमें सक्सेस स्टोरीज नहीं मिलती ना कि कोई बंदा आगे गया यार मुझे पैसे मैंने बनाया है ठीक है मैं खुद हाँ. खुल के कह रहा हूं यार मैंने तीन साल में काफी लॉस को किया है हाँ. लेकिन वैन आई अंडरस्टोड यार दिस इज द राइट टाइम टू बेसिकली इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक आई मेड ए लॉट ऑफ मनी ठीक है right. अब जिस तरह मैं और आप टेक्नोलॉजी के लोग हैं ठीक है वी अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी सो यू द थिंग यू अंडरस्टैंड यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग राइट जब कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी वॉज गोइंग डाउन इट डज नॉट मेक एनी सेंस हम लोग यानी आपको याद है खैर आप तो उस वक्त नहीं थे मुतरमा बेनजीर के वक्त जब इतने राइट्स हुए थे वी वर स्टिल डिलीवरिंग अवर सर्विस टू इंटरनेशनल कस्टमर विदाउट एनी डिस्प्शन तो बिकॉज ऑनलाइन की वजह से हम वी वोट वट के जब टेक्नोलॉजी वॉज गोइंग डाउन आई वॉज नॉट द बॉटम एज वेल ठीक है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग गुड चंक ऑफ इट राइट एंड इट हैज गिवन यू फाइव हंड्रेड परसेंट ऑफ रिटर्न ओवर लास्ट वन ईयर ठीक है राइट सो यू नीड टू बेसिकली बाउंस ऑन दचुनिटी वेच द मार्केट गिवस यू इसके लिए बहुत बहुत कोर चीज जो है यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू इन्वेस्टिंग टेन डिफरेंट कंपनीज विच डज नॉट मेक एनी सेंस टू यू आपको उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी समझ आपको आती है राइट लेकिन भाई ये बड़ा एक ऐसा कहते ना कि एक, एक, एक एक्सपर्टीज लेवल वाली बात है सो वी कॉन गैट इन टू दट लेटर ऑन मे बी इन फ्यूचर कॉन्वर्जेशन मैं ये समझना चाह रहा हूँ एक आम बच्चा कैन कम बैक टू द आम बच्चा राइट वो अच्छा चले शायद तो उसमें से द, सौ में से एक दो होंगे जो कोर्सेज ले लेंगे वो स्टॉक मार्केट के अंदर समझने में घुस जाएंगे निन्यानवे फीसद वो होंगे जो कहते हैं कि यार मैं मेरी तनख्वाह आती है एक लाख रुपया मैं उसमें से पाँच हजार रुपया जो है ना अपने किसी जगह पर डालता रहा हूँ और वो ऐड होता रहा हूँ और वहाँ पर मेरा जो है ना वो सम वॉट uh, uh, एक रिटर्न लेता रहा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। so, आपने तो आपने एक तो स्टार्ट में बात की म्यूचुअल फंडस की राइट right? uh, मैं पिछले दिनों मैंने जब ये इन्वेस्टमेंट वाली की तो उसमें मुझे बड़े क्वेरीज भी आई लोगों ने कहा कि नो हम जो है वो हाँ उन्होंने कहा कि रिलीजन का प्रॉब्लम है इसके स्टॉक्स के इसका सो इज़ देर एनी थिंग फॉर इन पाकिस्तान जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि मैं कहूँ कि यार वो रिलीजियस फंडामेंटल्स क्योंकि मुझे तो नहीं पता और 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 व्यूअर को भी नहीं पता व्यूअर ने सुनी तो बहुत बातें ड्राइंग रूम्स में चचा ने कुछ बोल दिया मामू ने कुछ बोल दिया वेयर कैन दे गो टू फाइंड समथिंग दैट इज ए शेरिया कम्प्लाइंट एंड बी डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ देयर माइंड नहीं करना मैंने कोर्स हाँ। नहीं वो करना मैंने हाँ। बस हाँ। पैसे डाल लाता हूँ पैसे मेरे इन्फ्लेशन प्रूफ है मैं समझ गया देखिए पहली बात तो यह देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मिथ्स है बहुत ज्यादा विच बेसिकली होल्ड यू फॉर इन्वेस्टमेंट ठीक है वन ऑफ द मिथ बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया कि इट्स नॉट शेरिया कम्प्लाइट विच इज़ अगेन नॉट राइट थिंग टू से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पूरा इंडेक्स शरिया कंप्लाइंट स्टॉक का बना हुआ है विच इज़ के एम आई आई थिंक मिजान बैंक वालों ने स्टॉक एक एक्सचेंज के साथ मिलकर ना एक पूरा अपना इंडेक्स बनाया हुआ था जिसमें वो लिस्ट करते हैं सारी वो कंपनियाँ जिस जो कि शरिया कम्पलाइंट इस्लामिक uh, उसके ऊपर हैं ठीक है अच्छा अच्छी चीज़ ये है कि अब आप कहते हैं यार मैंने स्टडी नहीं करना मैंने रखा आई डोंट वांट दिस पॉडकास्ट टू बी कि हम थ्योरेटिकली बातें करते रहे कर हाँ। रहे और प्रैक्टिकली लोगों को ना कि आपने करना क्या देखे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं फोकस भी उसी पर करूंगा जिस पे हम मासज एग्री करते हैं देखे अभी रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज ने ई का कॉन्सेप्ट पहली दफा पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया लास्ट वन ई क्या होता है एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक बकेट होती है ठीक है जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं ना आपको ना ना कंपनी का पता है, ना कुछ पता है यू जस्ट नीड टू ब्लाइंडली गो एंड इन्वेस्ट इन ए कंपनी ठीक है राइट एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने पर आपका रिस्क ज्यादा है यू डोंट नो वेयर कंपनी विल बी आफ्टर टेन है सो वॉट हैपन्स के ए टी एफ इज ए बकेट ऑफ कंपनीज अब फॉर एग्जांपल मेरे से पूछे तो मिजान ईटीएफ टी इज़ ए गुड बेसिकली पकेट टू हैव पहली बात कि वो शरिया कम्पलाइंट है जो right. आपके मासिस का प्रॉब्लम है वो उधर ही सॉल्व कर देती है राइट सेकेंडली ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ई टी इज सीमेंट ग्रोइंग 10 परसेंट इज फर्टिलाइजर और 15 परसेंट इज फर्टिलाइजर अगेन गिविंग ए गुड डिविडेंट टेन परसेंट इज ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी टेन परसेंट इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ये सारी वो कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी है बड़ी आ, 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 वो रिस्क ही नहीं है कि कहीं गिर हाँ, गई हो गया तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरी आ, मेरी अपनी सजेशन उनके लिए ये होगी जस्ट ट्राई टू अक्यूमिलेट मिजान ई सिंपल राइट उसका फायदा ये है कि मिज़ान ई इज ऑलरेडी बेसिकली मैनेज बाय मिज़ान के जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वट दे डू इज़ के वो क्वार्टरली या आई थिंक बाई एनुअली दे लुक एट हाउ मच द स्टॉक्स एज प्रोग्रेस ठीक है और वो रीबैलेंस कर देते हैं पोर्टफोलियो को ठीक है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर और बाई मैन जो भी है और अच्छी चीज़ जो मैंने एनालाइज की है वो ये है कि दीज ऑल कंपनीज गिव यू अप्रोक्सीमेटली नाइन टू टेन परसेंट ऑफ डिविडेंट यील्ड अब लोग कहेंगे डिविडेंट यील्ड क्या होती है डिविडेंड यील्ड वो होती है जो कंपनी अपनी अर्निंग में से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट देती है ठीक right. है नाइन परसेंट का मतलब ये है कि अगर आपने हंड्रेड थाउजेंड मिजान ईटीएफ में इन्वेस्ट किए हुए हैं और नाइन hmm. परसेंट का एनुअल डिविडेंड यील्ड बन रहा है तो नाइन थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट आपको कैश में मिलेगा ठीक है ठीक हो गया सो दिस इज एन एसेट जो कि आपको कैश में रिटर्न भी दे रहा right. है रहे है सो आई वुड सजेस्ट कि यार आप अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टॉक मार्केट में नहीं घुसना चाहते हैं राधर गो विद ए बकेट विच इज ऑलरेडी गिविंग यू द सेम सॉर्ट ऑफ रिटर्न जो कि एक इंडिविजुअल कंपनी में और आप सर बैठ के बैठ जाएंगे यार, इसका uh, में क्यों नहीं मिल रहा so and, an thing, so those, those expert, है स्टॉक्स की बात आती है कमोडिटीज की बात आती है आपने एक्सप्लोर किया है कि डज द वो एट वट स्टैंड पॉइंट जैसे आपने ये तो बता दिया कि मिज़ान बैंक ने अपना एक वो खोला हुआ है बट बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छा, में भी कुछ शरिया रिलेटेड चीजें अच्छा अब मैं थोड़ा सा ना आपको म्यूचुअल फंड्स का भी बता देता हूँ ठीक है म्यूचुअल फंड गिव यू एन एक्स्ट्रा एज ठीक है अब फॉर एक्जाम्पल आप कहते हैं यार मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ मेरे पास तो टाइम ही नहीं है आई डोंट आई कांट मैनेज माई फंड ठीक है मिजान ई में मैंने किया हुआ है लेकिन स्टिल आई डोंट लाइक द रिटर्न ठीक है

आप कह सकते हैं यार मैंने लो रिस्क में इन्वेस्ट करना है ठीक है लो रिस्क के अंदर शरिया कंप्लाइंट के अंदर क्या करते हैं कि वो सुकूक वगैरह जो गवर्नमेंट की इस्लामिक ओरिएंटेड चीज़ें हैं जिस पे आपके लॉसेस बहुत कम होते हैं दे इन्वेस्ट इन दोज पर्टिकुलर एरियाज ठीक है ऐसे ऑटोमेटिकली मैनेज भी आपका एक खुद करा होता है आप कहते हैं नहीं यार मुझे मीडियम रिस्क लेना है ना मैं नहीं चाहता कि मैं 100 परसेंट कैश में जाऊं मुझे नज़र आ रहा है मेरी जो मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेहतर जा रही है सो आई कैन टेक सम सॉर्ट ऑफ रिस्क ऑन दी इक्विटी साइड एज वेल तो उसमें ना एसेट एलोकेशन के काफ़ी फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं एसेट एलोकेशन क्या होता है वो कहते हैं जी कि ठीक है थर्टी परसेंट पोर्टफोलियो विल बी एक्सपोज टू जो स्टॉक एक्सचेंज है 20, 30 हम विल लुक कर वो, आउट करके आपको एक अच्छा रिटर्न, देते अच्छा हैं तो और बहुत, अच्छा हाँ, रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न दी में लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न दी में और एक होता है कि जो बेसिकली जिस तरह आप इटीएफ की बात करें इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी ना पोटली एक्सपोजर टू स्टॉक मार्केट भी होता है अगेन इनकी कैटेगरी है फ्रॉम शबरिया कम्प्लाइंट एज वेल कुछ स्टॉक्स हैं जो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट की आपको देते हैं कुछ हैं जो कि नहीं देते हैं ठीक right. है और वो अगेन हमने प्लेटफॉर्म पे बताए हुए आप उसको थूर्म सकते थूर्म हैं. कर देख सकते हैं ठीक है ठीक हो गया सो आई थिंको वो जो वो वाली साइड है कि आर अपॉर्चुनिटीज फिर ऑपरचुनिटीज पीपल कैन गो एंड चेक आउट एज वेल कि जी शरिया ऑन देयर ओन रिक्वायरमेंट्स वो किस तरह से करते हैं अच्छा सो एक चीज मैंने रिसेंटली मेरे साथ हुई आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड मैंने आपको बताया कि पहले कि मैंने उसमें वो एक सर्वे सा डाला और मैंने लोगों से पूछा कि नो व्हाट डू यू इन्वेस्ट ऑन और सारा कुछ तो उसमें मैंने उसमें डाला कि जी आपके पास पैसा है बताया लोगों ने पैसा है मैंने कहा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्होंने कहा जी 93 परसेंट ने कहा कि जो पैसा पड़ा हुआ है उससे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल 12 तेरह हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद तो मैंने पूछा आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैंने उनको चार पाँच ऑप्शन दी मैंने रियल इस्टेट दी मैंने उनको जो है ना वो स्टॉक्स दिए mm. ये स्टॉक्स कमोडिटीज़ वगैरह मैंने कंबाइन कर दी और साथ में मैंने उनको कहा कि नो अपना बिजनेस खोलेंगे वगैरह 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 अच्छा मजेदार बात है पचास फीसद लोगों ने कहा अपना बिजनेस खोलेंगे इज इज फंडामेंटली इनकरेक्ट बिकॉज होता क्या है कि आपको पता है कि अगर पचास फीसद लोग जो है वो बिजनेस खोल रहे हैं तो फिर तो कोई मशरूम ग्रोथ ही हो रही होगी बहुत ही कोई हाई प्रोडक्टिविटी इन्वयरमेंट होगा बट हमें वो नजर आता है कि वो ज्यादातर उसमें से पचास फीसद जो है ना पहले तो वो पचास फीसद लोग खाब देखते हैं बिजनेस खोलने के उसमें से चालीस फीसद लोग जो है वो बस खाद देखते रहते हैं कैश पड़ा रहता है और डिवेल्यूएट होता रहता है तो जब बिजनेस खोलना है तो आप किसी भी लिक्विड एसेट में डाल दें जब बिजनेस खोलना हो खोल लीजिएगा तब तक तो बढ़ता रहे दूसरा uh, मसला ये होता है कि जो दस फीसद लोग एक्चुअली अपने बिजनेस में करना भी चाह रहे हैं दे बिकॉज दे डोंट हैव टाइम एंड यू नो उनका वो एक्सपर्टीज नहीं होती तो वो ज्यादातर क्या करते हैं वो आखिर में बॉटम आउट आके कि रेस्टोरेंट खोल लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे और स्टा, स्टार्ट स्टार्ट है प्रॉपर

वेरी हाई वो एक दिमागी तो और पर तो आपको ये दिखा देती है कि यार पैसा बढ़ रहा है सिस्टम हो रहा mm -hmm. है बट अगर हम एक्चुअल पे जाए तो रियल एस्टेट इज नॉट द रिटर्न्स दैट यू शुड बी गेटिंग अदरवाइज क्योंकि अफेक्टिवली आप क्या कर रहे हैं है जिसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही कोई कुछ नहीं हो रहा आप उसकी फाइलें घुमा रहे हैं mm -hmm. आप एक्टिवली तो कुछ काम तो नहीं हो रहा ना mm -hmm. पैसा तो इज दटेश और फिर आखिर में 10-12 परसेंट लोग आए जिन्होंने आके बोला कि हम स्टॉक मार्केट में करेंगे ये करेंगे तो मैं थोड़ा सा समझना ये चाहता हूँ अपने बिजनेस के ऊपर आपने आप इसके अंदर घुसे दो में आपने कहा और आई थिंक आपने जब टेरा डेटा इवेंचुअली छोड़ी भी जहिर आपको एक अच्छा प्रोविडेंट फंड भी मिला होगा दस बारह साल तो आपने लगा लिए हुए थे वहाँ पर आपने ये क्यों डिसाइड किया कि जी मैंने स्टॉक की तरफ आना है या मैंने म्यूचुअल फंड की तरफ आना है वर्सेस वर्सेज अभी बिजनेस खोल लेते हैं कोई चीज़ अच्छा मैं मुजमिल एक चीज़ उसमें बता दू ना कि मैंने जो तीन चार साल स्टॉक में इनिशियली एक्सपोजर लिया भी ना तो मैंने बड़ा कम एक्सपोजर लिया मैंने उतना एक्सपोजर लिया जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं और मैंने बर, मैंने लॉसेस बर्दाश्त किए ये नहीं कि मैंने नहीं किए अच्छा जब मुझे अब मेरा एक्सपीरियंस भी इससे रेलिवेंट है ठीक है मैंने आ, आ, डेटा की जॉब छोड़ी बिकॉज मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसको पता है ए बी डेटा के नाम से मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया ठीक है उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी अब बाद में करेंगे लेकिन जब मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया ना सो आई थाट कि यार मैं बड़, पहले ही बड़ा रिस्क ले चुका हूँ ठीक है वाई नॉट टू इन्वेस्ट

क्योंकि साइलो में सोच रहा था आई थॉट कि नहीं यार इससे तो लोगों का नुकसान ही होता है तो मेरा भी होगा बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग इन टू थिंग डिफरेंटली और ये मैंने पिछले एक डेढ़ साल में काफी चीजें स्टडी की आई विश इफ आई गॉट द सेम अपॉर्चुनिटी तो मैंने क्या करना था इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैंने अचीव किया मैं उसको शायद बेहतर तरीके से यूटिलाइज करता खैर right. मैंने क्या किया मैंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा कर ना एक रेस्टोरेंट के अंदर तीन चार दोस्त थे हम हमने मिलकर डाली ठीक है और हम सारों की कोशिश थी कि यार इसको बड़ा सक्सेसफुल करेंगे बिकॉज हमने बड़ी प्राइम लोकेशन के अंदर सदर के अंदर एक खोला था एंड वी वर थिंकिंग यार एटलीस्ट हमें पचास से साठ हज़ार रुपया पर बंदे को ना इनकम हो जाएगी बट अगेन जो स्मॉल बिजनेसेस को जो इफेक्ट पड़ा इकोनॉमिकली चेंजेस का वो मैंने फ़िज़िकली अपने बिजनेस में भी देखा जहाँ पर हमें शायद वन मिलियन एक मंथ के अंदर हमारी सेल्स पहले महीने में हुई थी एज सोन एज जो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपके वर्स होते गए आपका डॉलर अप्रिशिएट होता गया आपकी इकोनॉमी नीचे होगी तो मैंने फिजिकली अपने रेस्टोरेंट के अंदर देखा हमें रिटर्न नहीं आ रहे थे लोग आ ही नहीं रहे थे वी ट्राई टू स्केल अवर बिजनेस कि यार शायद इस वजह से नहीं आ रहे शायद हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है शायद वो फैसिलिटी नहीं है एवरी थिंग विच वी डेड वेंट अगेंस्ट अस ठीक है इवेंशली आई नीड टू क्लोज दैट बिजनेस रादर देन ये कि उस बिजनेस से हमें फिफ्टी थाउज सिक्सटी थाउजेंड महीने का मिलता वी वर पुटिंग इन दैट फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड एक्स्ट्रा एज वेल ठीक है राइट right. मुझे याद है मैं एक टेलीकॉम के आर एफ पी के लिए थाईलैंड गया हुआ था एंड आई वॉज लुकिंग एट वो जो सीसीटीवी कैमरा मैंने लगाया हुआ वो टांगे पर करके वो मैनेजर बैठा हुआ है एंड आई वॉज थिंक यार मैं एक इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की आर एफ पी के लिए मैं इधर बैठा हुआ एंड आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम लुकिंग एट दीज पीपल और एक पैसा तो जाल ही रहा है ऊपर से लोगों की हरकतें भी ऐसी हैं कि आपको और लगता है यार इट्स नॉट एट ईजी टू मेक मनी देर आर सो मैनी वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन रनिंग ए बिजनेस ठीक है यार तो मैंने फिजिकली देखा कि यार ये सारी चीजें मैंने हैंड्स ऑन मैंने की मैंने आई क्लोज दैट होल बिजनेस ठीक है आई आई बुक नाइक नाइनटी परसेंट ऑफ माई कैश वॉज इन लॉस ठीक है राइट बट अगेन अब मेरे से आप पूछते यार कि आई शुड आई माइ नॉट हैव इन्वेस्टेड डायरेक्टली इन स्टॉक बिकॉज इकोनॉमिकली चीजें बेहतर नहीं थी लेकिन ये जो सारे एसेट्स मैंने आपको अभी काउंट कराए हैं वाई आई डी इन्वेस्टेड इन थ्री थ्रीज ऑल एसेट्स ठीक है बिकॉज hmm. in मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी मुझे पता भी नहीं था मुझे तो ये भी नहीं आइडिया था कि यार इस पैसे को हमने किस तरह इन्वेस्ट करके इसकी वैल्यू को रिटेन करना है ठीक है राइट सो दीज आर ऑल माई लर्निंग्स के जो मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किए हैं ठीक है So, जो भी 90% परसेंट लोगों ने कहा हुआ है देखें अब मैं आप मेरे से आप पूछे ना मैक्रो इकोनॉमिकली आपकी कंट्री की पोजीशंस बेहतर होती जा रही है आपकी एक्सपोर्ट्स की फिगर बेहतर होती जा रही है आपके जो आ, जो जो भी रिजल्ट अभी अनाउंस हुए हैं अभी तक इस क्वार्टर के अंदर सेवेंटी परसेंट ऑफ देम हैव गिवन ए मैसिव सॉर्ट ऑफ एब्सोल्युटली एंड वो जो आपके अगेन फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो कंट्री के फंडामेंटल्स अगले तीन चार साल के लिए आपको पता लग रहा है कि स्टेबल हाँ हाँ जो हमें देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल यूएस की मार्केट इज ऑन ऑल टाइम हाई के ऊपर है हमने हुँ. तो अभी अपने हाई को भी नहीं टच किया हम तो अभी फिफ्टी फोर का जो हाई है उस पर भी सिक्सटीन परसेंट का भी जंप रहता है ठीक है right. और एक चीज मैं आपको और बताऊं पिछले तीन साल के अंदर आपके जो फॉरनर्स ने दबा के सेलिंग की है ठीक है आपके जितने जो फॉरनर्स की इन्वेस्टमेंट थी सेवेंटी परसेंट ऑफ नेट जो इन्वेस्टमेंट है फॉरनर्स की वो नेगेटिव में है ठीक है वो निकाल रहे हैं पैसा लेकिन अच्छी चीज़ क्या है इंस्टीट्यूशन और लोकल इन्वेस्टर्स है तो वो बेसिकली बहुत कम तादाद में लोकल इन्वेस्टर्स ah. बट दे हैव एडजस्टेड शॉक ठीक है right. अभी क्या होगा देखें अगेन आपके जो होपली जो ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं पहली चीज तो यह इन्फ्लेशन का जो मसला है ना वो पाकिस्तान का मसला नहीं है इट्स ए ग्लोबल फिनोमिना ठीक है सेकेंडली जहां पे यूएस वालों को रिटर्न आना कम होंगे अपनी मार्केट के अंदर वो कहां जाएंगे इमरजिंग वो वो मार्केट में जाएंगे इमर्जिंग मार्केट पाकिस्तान इज एन इमरजिंग मार्केट जब टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन के बाद आया था तो इतना इन्फ्लो आया था डॉलर का इधर वो लोगों ने दबा के पैसे कमाए इधर से तो वहाँ के वो लेकर फिर आप करके कैश आउट भी हो गए हैं ठीक है so, अगर अगर एक अच्छे इन्वायरमेंट हम देखते हैं पाकिस्तान में एक जनरल एक सवाल है मेरा बट अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट हम देखते हैं तो आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट हम एक लाख पे भी देख सकते हैं एक लाख बीस से भी देख सकते हैं अगले दस साल में अगेन <laughs> इतनी रिस्की मार्केट है आई कैन के कहा मैं भैसे भैसे जा भैसे नहीं कह रहा 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 की बात कर कि डू यू थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी मैं कहता हूँ सब बेहतरीन हो रहा है तो क्या स्टॉक मार्केट कभी हमारी लाइफ टाइम में एक लाख डेढ़ लाख दो लाख हो जा भी सकती कि? है हो भी सकती है किसने सोचा था बिटकॉइन क्वाइंट पचास हजार डॉलर का होगा ठीक <laughs> है <laughs> तो आइडिया ये है कि देखें आप ऑप्टिमिस्टिक तो रह सकते हैं ना आप डिसीजन इस बेस पे तो नहीं करेंगे यार स्टॉक मार्केट कल दस हजार की नहीं होगी ठीक हाँ। हाँ। है सो आई थिंक रिस्क उतना लें जितना बर्दाश्त कर सके अगेन आई वुड नॉट सजेस्ट पीपल के जिस तरह वो एक ड्रामे के अंदर हुआ था कि अपना घर बेच के उन्होंने स्टॉक में डाल दी और फिर स्टॉक बेच के फिर तीन गाड़ियां भी ले ली साथ वो किया वी नीड टू बी बी वी नीड टू टू स्मार्ट इनफ देखें इट्स सो डिफिकल्ट अर्न योर मनी ठीक है इट्स नॉट दैट ईजी आप लोग जो काम करते हैं हम लोग बैठ के इट्स नॉट डेट इजी टू अर्न योर मनी थोड़ा सा हमें स्मार्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा हमें उस मनी को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जहां पे वो स्मार्ट मनी की तरह काम करे यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू अर्न द मनी बट द मनी इज इट सेल्फ इज बेसिकली वर्किंग हार्ड टू अर्न बैक यू दैट अमाउंट ऑफ मनी राइट अब आप जब बात करते हैं ना एसेट्स की देखें रियल स्टेट इज नॉट गिविंग यू एनी डिविडेंट आपने कितने लोगों ने लैंड लेकर बैठे हुए हैं ठीक है, है? Uh. अभी हमारे सामने अभी हम डिस्कस कर रहे थे कितनी अच्छी जगह पे भी लोगों के पैसे कब बारह बारह साल से फंसे हुए हैं ठीक है आइडिया ये है कि देखे जब आप सारे लोग प्रॉपर्टी 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 करेंगे ना मेरे जैसा बंदा जिसने घर बनाना है ना इट्स नॉट इन माय रीच बिकॉज ऑलरेडी हमने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है ठीक है बबल है ना प्रॉपर्टी का तो एक बबल है सच्ची बात है वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं चल रहा भी नहीं है प्रोडक्टिविटी अब मैंने जिस तरह बताया ना कि दस की आज वर्थ फोर्टी है आप मल्टीप्लाई कर दे आप देखें आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है इज इट वर्थी इनफ टू बेसिकली इन्वेस्टेड इट्स नॉट अब मैं आपको बड़ी अच्छी एक्साम्पल आपको सुनता हूँ

स्टॉक मार्केट में की हैं और मैंने काफ़ी लेटली ये रियलाइज़ किया कि यह कंपाउंड इन्वेस्टमेंट होती क्या है ना हमें क्यों स्टॉक स्टॉक वाई स्टॉक इज गिव यू सो मच रिटर्न मैंने फॉर एग्जांपल जब ये सारा फेस्को चल रहा था स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है सारे पेनीज में आ गए थे जितनी अच्छी अच्छी कंपनियाँ थी बड़ी नीचे की थी आई आई बेसिकली बॉट तो उस कंपनी एज ए गुड लेवल फॉर एग्जांपल हम जिस तरह बात करते हैं मिज़ान बैंक मैंने परचेज किया ठीक है राइट right. मैंने मिजान बैंक फॉर एक्जाम्पल फिफ्टी का लिया था एंड आई थिंक फिफ्टी फाइव लो इसने लगाया था एंड आई सोल्ड दैट पर्टिकुलर बैंक विद इन थ्री वीक्स मैंने सेवेंटी टू का सेल कर दिया अच्छा ट्वेंटी सिक्स परसेंट का रिटर्न मुझे मिजान बैंक ने दिया थ्री एंड देन आई स्टडीड के यार ये पे आउट डिविडेंट ये कंपाउंड इन्वेस्टमेंट होती क्या है हिस्टोरिकली मैंने देखा यार मीज़ान बैंक का तो ज़बरदस्त डिविडेंट है ठीक है दे गिव कंटिन्यूस डिविडेंट टू देर शेयर होल्डर बोनसेस भी देते हैं सो आई बॉट बैक दैट शेयर विद दिस इन माइंड के यार ये जो कंपनी है ना वो डिविडेंट देती है ठीक है सो आई बॉट इट एट एटी फाइव ऑलरेडी आई लॉस लाइक ट्वेंटी बाई जस्ट सेलिंग एंड रैन री बाइंग बट दिस टाइम आई एम वेरी क्लियर ठीक है आई डोंट नीड टू सेल इट ठीक है टिल द टाइम आई सी एनी फंडामेंटल फ्लॉ इन दंपनी के फंडामेंटली कंपनी सही नहीं कर दी हुआ गया जब मैंने अगस्त सेप्टेम्बर में लिया तो अगस्त सेप्टेम्बर का जो उनका आया जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली रिलीज हुई देनाउंस टेन परसेंट ऑफ द बोनस टूट शेयर होल्डर्स अब बोनस का मतलब क्या होता है मैंने 85 का स्टॉक लिया था उस वक्त आई थिंक 86 87 का ट्रेड हो रहा था फिर भी मुझे प्रॉफिट में ही रिटर्न मिला था बट आई डिड नॉट सोल्ड दैट पर्टिकुलर स्टॉक हुआ क्या कि जब बोनस uh, इशू हुआ तो मुझे टेन परसेंट ऑफ माई स्टॉक ज्यादा मिल गए ठीक है? है अगर मैंने हजार लिए हुए थे तो आप मेरे पास ग्यारह सौ शेयर थे है? अगर मैंने 85 की की थी, तो टेन परसेंट मेरी बाइंग रिड्यूस होगी बिकॉज मेरे पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए right. तो मेरी रिड्यूस हो गए अगर आप करें तो वो सेवेंटी सेवन पॉइंट की मेरी बाइंग एवरेज कॉस्ट है राइट right. जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक था वो एटी सिक्स का ही था लेकिन अच्छा फास्ट फॉरवर्ड अगला क्वार्टर का रिजल्ट आता है और वो आई थिंक फिफ्टी या फोटी या सिक्सटी परसेंट का डिविडेंट अनाउंस कर देते हैं अच्छा ठीक है हाँ तो अब जो मुझे फॉर एग्जांपल फाइव रुपीज़ पर शेयर पे डिविडेंट आना था अब वो मुझे टेन परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है बिकॉज मुझे टेन परसेंट ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल गया ठीक है तो मुझे फिफ्टी जो है ना इन रियल कैश मेरे बैंक में डिपॉजिट होते हैं कि ये मिज़ान बैंक ने आपको डिविडेंट दिया है ठीक है राइट आज के दिन में वो एक का ट्रेड हो रहा है ठीक है

वो लोग जो कि मिजान बैंक में जाकर पैसे इसीलिए रख रहे हैं कि यार ये शरिया कंप्लाइंट मुझे सेविंग्स दे रहा है uh, क्या आपको वो ज्यादा सूट करता है छह परसेंट सात परसेंट सालाना के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है या मिजान बैंक की आप शेयर्स क्यों नहीं लेते मिजान बैंक इज डूइंग बिजनेस एज वेल राइट आपको क्या रिटर्न मिल रहा है मैं परेशान हो जाता हूं लोगों के पास इतने पैसे उन्होंने करंट अकाउंट में रखे होते हैं चले करंट को भी छोड़ें सेविंग में भी जो रखे होते हैं राइट नाउ आपको रिटर्न कितना दे रहे हैं छह मुझे छह छह महीने के अंदर फोर्टी का रिटर्न मिला है एंड आई एम नॉट डन येट ठीक है आई विल बी बेसिकली एकोमिलेटिंग दिस पर्टिकुलर एसेट फॉर अ लॉन्ग टर्म मैं आपको अपना एक आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट लाउड जो मैं थिंकिंग मेरी है तो मैंने ना ये चीज सोची है यार मैंने जो बच्चों के लिए रखना है ना आई डोंट नीड टू कीप इन कैश आई विल कीप इन एसेट मिजान बैंक इज़ वन एसेट उट इल द टाइम फंडामेंटली कंपनी में कोई मसला होगा आई विल बेसिकली और ग्रेजुअली नॉट नेसेसरी आज टेन थाउजेंड शेयर दे ली को मेरी बड़ी छोटी छोटी मैंने वो रखे हुए तीन चार ऐसी कंपनी है जो I think कि आई थिंक वो आपको पे आउट अच्छा देती है डिविडेंट अच्छा देती है हो सकता है अगर इसी तरह इसी रेशो से अगले पांच साल तक मिजान बैंक ने पे आउट और डिविडेंट मुझे दिए बोनसेस दिए मेरी एवरेज कॉस्ट शायद दस रुपये भी ना पड़ जाए hmm. शायद अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ मैंने अभी ये रिसेंटली जो फारूक बलोच साहब के साथ इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मैंने ये सिनेरियो बिल्ड किया देखें हमारी थिंकिंग क्या है ना हम कहते हैं यार कि लेक ने तो कहा था कि यार कि 2010 में ऑयल एंड गैस का स्टॉक ले लो हमने ले लिया देखो आज हमारे ना सेवेंटी एटी परसेंट का लॉस बुक कर रहे हैं हम तो वो सीनेरिया मैंने थोड़ा सा ना मैं वो लोग पर्ची को माइंड करते हैं बट आई एम जस्ट टू मेक श्योर के बाद में मुझे यू टन लेना पड़े सो वट आई डेड वॉज कि मैंने एनालिसिस किया ना आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट टाइम तो हमने फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड शेयर लिए पी पी एल के पी पी एल मैं नाम भी बता रहा हूँ कि कंपनी की फंडामेंटली इज ए गुड कंपनी राइट नाउ ऑयल एंड गैस के जो मसले चल रहे हैं उसकी वजह से इट्स ट्रेडिंग अराउंड नाइन्टी रुपीज आई थे या नाइन्टी टू रुपीज ठीक है अब पीपीएल अगर मैंने इन्वेस्ट किया था ना दो के अंदर तो दो में वैल्यू थी एक सौ रुपया अच्छा ठीक है एक सौ सत्तर मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड करें तो वन लैक सेवेंटी थाउजेंड मैंने इन्वेस्ट किया होता चले हाँ। हम उसी इन्वेस्टमेंट को ही ले लेते हैं आज वो ट्रेड हो रहा है नाइन्टी थ्री रुपीज का हाँ। तो एक सौ सत्तर से हमारा डिप्रिशिएट होकर हो गया नाइन्टी थ्री थाउजेंड बट दिस इज नॉट येट डन ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बेनिफिट दे रहा है दो में ने बोनस अनाउंस किया ट्वेंटी ठीक है ठीक है बोनस के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हजार से इंक्रीज हो गए बारह सौ हो गए इन द सेम ईयर पीपीएल अनाउंस नाइनटी परसेंट ऑफ द डिविडेंड ठीक है नौ रुपए का पर शेयर आपको डिविडेंड मिला इन टोटल आपको दस हजार आठ सौ रुपया आपको बेसिकली डिविडेंड में मिला ठीक हो नाइन मल्टीप्लाई बाय डेज ठीक है दो में पी ने बोनस दिया टेन

तो आपको टोटल डिविडेंड मिल गया पंद्रह हजार आठ सौ चालीस रुपए दो हजार तेरह के अंदर पीपीएल ने अगेन बोनस दिया बीस परसेंट अच्छा ठीक है टोटल जो आपके पास शेयर हो गए हैं वो हजार से इंक्रीज हो गए दो हजार तेरह में उन्नीस सौ अस्सी हजार से तक हो हो है। है। हाँ। और आपको एक सौ पांच परसेंट का डिविडेंड भी मिला है ठीक है।, है तो कितने परसेंट कितने रुपए आपको पर शेयर डिविडेंड मिला टेन पॉइंट फाइव रूपीज और टोटल uh, कितना डिविडेंड पेड था बीस हजार सात सौ नब्बे रुपये आपको दो हज़ार तेरह में मिला है ठीक है अच्छा दो हजार चौदह में उन्होंने कोई बोनस नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली ठीक <laughs> है बट स्टिल यू गॉट नाइनटीन एटी स्टॉक्स इन योर ठीक है लेकिन उन्होंने डिविडेंड दे दिया एक सौ पच्चीस परसेंट विच इज अगेन ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट करते करते फास्ट फॉरवर्ड मैं करता हूँ दो हज़ार बीस ठीक है दो हज़ार बीस ऑब्वियसली कोरोना आया पेंडेमिक था जो भी था एंड गैस को काफ़ी हिट पड़ी दे डेडेंट गिव एनी बोनस बट दे डिड गिव टेन परसेंट ऑफ डिविडेंट ठीक है जो कि पहले 120, 115 इतने देते थे क्योंकि थोड़ी अर्निंग कम होगी तो एक रुपए का उन्होंने बोनस दिया ठीक है अगर आपने हज़ार शेयर 2010 में लिए होते आज आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर होते दो ठीक है आपको डिविडेंट की सूरत में वन कैश भी मिल चुका है ठीक है आपने उस टाइम एक लाख सत्तर हजार रुपये के एक लाख साठ हजार तकरीबन आपको कैश में मिल चुका मिल है चुका है, है। आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है दस हजार पे आपके पास टोटल शेयर अप्रोक्सीमेटली तीन हजार पे भी हम करें आज के रेट के अंदर वो आपको तीन लाख रुपया रिटर्न दे रहे हैं ठीक है लाख so, so, रुपया रिटर्न तीन लाख जमा तीन लाख डेढ़ लाख का लाख साठ हजारकरनोड आपको थ्री हंड्रेड रिटर्न आरओआई है आरोई और मैं अगर दस साल पे करूँ तो थर्टी परसेंट मुझे और ये वो एसिड्स है जिसपे आप ना लिक्विड भी कर सकते हैं आप कहें हजार शेयर सेल करने हैं तो के 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 तो प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ बट इफ इवन इफ यू डू एनी आपने पांच हजार के ऊपर मैं कहता कि जो मेरा पैसा निकल रहा है जो आपने सेपरेट आउट कर दिया रियल स्टेट में आपको क्या इस तरह का रिटर्न मिलेगा क्या आपका एक लैंड दूसरा लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और अभी ट इज़ देखिए रुपया जिस तरह पिछले शो में आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया रुपया तो अपनी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना आपने mm -hmm. अगर पांच लाख की कोई प्लॉट लिया हुआ है अगर बीस साल बाद वो अगर आपको पच्चीस लाख का भी बिक रहा है इट इज ऑलरेडी गिविंग यू द सेम रिटर्न जितना आपका रुपया इन्फ्लेट हो चुका है ठीक mm -hmm. है सो वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन ए प्रॉपर्टी जो कि आपको लग रहा है कि बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहा है लेकिन इन रुपी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ अच्छा एसेट रिटर्न इट इज नॉट गिविंग यू डेट पर्टिकुलर रिटर्न ठीक है राइट तो ये चीज़ें ना मैंने प्लेटफॉर्म में मैं अगेन इसको रिलेट इस तरह करूँगा कि हमारी जो ब्रोकर की अप्लीकेशन हैं ये चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं हमारे पास ये चीज़ मैंने नोट की है मुझे अच्छी कंपनी पैकेजेस में मैंने इन्वेस्ट किया उन्होंने मुझे इतना अच्छा डिविडेंड पिछले 2016-17 में दिया लेकिन वो मेरे पास कहीं ब्रोकर की ऐप के अंदर अवेलेबल नहीं है ठीक है राइट सो हाउ आई बेसिकली मैनेज्ड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ये जो ये जो ड्राइविंग फैक्टर हैं ये जो होल्डिंग फैक्टर है कि यार मैंने ये स्टॉक होल्ड करना है दिस इज गिविंग मी गुड रिटर्न फंडामेंटली दिस कंपनी इज गुड दैट दिस थिंग आई हैव इंटीग्रेटेड इन माई प्लेटफॉर्म अब अगेन लोग मेरे से पूछेंगे यार ओपनली वेबसाइट पर नजर नहीं आ रहा यू नीड टू साइन अप यू नीड टू परचेज एनी स्टॉक रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर मैनेजिंग इट अवर आपको डिविडेंट कितना मिला एक फ्लॉ और भी है कि डिविडेंट आपको अनाउंस हुआ 120 सौ बीस परसेंट विच इज फेस वैल्यू पर बारह रुपया फेस वैल्यू क्या होता है लेट नॉट गो गोइट दैट टेक तो बारह रुपया जिस दिन स्टॉक एक्स देता है अपने शेयर होल्डर को वो माइनस ट्वेल्व रुपीज के ऊपर स्टॉक ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है सो so, और लोगों को फिजिकली वो जो कैश मिलता है वो पैंतालीस दिन के बाद मिलता है सो टिल फोर्टी फाइव डेज आपके ब्रोकर के ऐप के अंदर आपको लग रहा है यार मुझे बारह परसेंट का लॉस हो रहा है यू आर नॉट रियलाइजिंग यार वो तो कैश मुझे मिलेगा ठीक है दिस कैप वी हैव कवर्ड इन अवर ऐप जिस तरह मीजान बैंक का मुझे बोनस मिला तो उसी दिन मैंने अपने ऐड कर लिए यार मुझे पैंतालीस दिन बाद मिलेंगे मैं क्यों उसको एज ए लॉस में बुक करूं uh. मुझे मिजान बैंक ने सिक्सटी परसेंट का डिविडेंड दिया मैं क्यों लॉस में बुक करूँ वो तो रिलाइज प्रॉफिट है मेरा सो दीज आर द थिंग्स कि जो हम अपने ऐप के थ्रू कर रहे हैं हमारे ऐप का एक बहुत बड़ा बेनिफि यह भी है कि इट्स नॉट कि आप अब मेरे पास कुछ लोग आते हैं यार हमने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया हमने स्टॉक में भी किया हमारे पास फॉरिक्स भी है वेर डू वी कीप ट्रैक ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टमेंट वी हैव बिल्ड द प्लेटफॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन ठीक है राइट right. हम करते क्या है कि हम इन डायवर्स एसेट्स में आप इन्वेस्ट करें एंड देन लीव इट वी विल टेल यू ऑन ईच डे हाउ मच इज योर रिटर्न ठीक है इट कैन गो अप इट कैन गो डाउन ठीक है आइडिया यह है कि जो इवेंचुअली जो मेरा जो मेरा विजन है जो मैंने इस प्लेटफॉर्म को कन्वर्ट करना है वो इसी थिंकिंग के ऊपर है कि यार देखें हम किसी भी एसेट को बड़े साइलो में लेकर कंसिडर कर रहे होते हैं कि यार पी अच्छी कंपनी है या पी अच्छी कंपनी है वाई डोंट बी इन्वेस्टेड लेकिन काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें आपको ड्राइव कर रही होती हैं उन मैक्रो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं जो डाटा है जो हमने स्टार्ट में किया था वी नीड टू प्रजेंट दैट डाटा इन ए वे कि वो इन्फॉर्मेशन एज एन इन्वेस्टर आपके लिए हेल्पफुल हो राइट right. हाँ यार हमारे एक्सपोर्ट से फायदा हो भी हाँ, हो रहा है कि नहीं मेरी कंट्री कहां जा रही है वर्ल्ड कहां जा रहा है क्या हमारे लिए ये एसेट इस टाइम कोड है अच्छा जब आपका इन्फ्लेशन जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो इंटरेस्ट आपके स्टॉक एक्सचेंज में होता है कितने लोग हो गए जो कि म्यूचुअल फंड में किसी कैश फंड में इन्वेस्ट करके पिछले छह महीने में बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ। हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जबकि उसी म्यूचुअल फंड के अंदर एक और जो फंड है वो आपको कंटिन्यूसलीट परसेंट पर मंथ पे रिटर्न दे रहा है यू आर बेसिकली आए कि आपको पर एन पे सात आठ परसेंट रिटर्न मिल रहा है हमने वो प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटीग्रेट किया हुआ है देखिए जब भी आप यू मूव योर मनी बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एज वेल फंड मुझे समझ आ रही है कि ये वाला बेहतर चल रहा है मैंने पे within, हाँ। तो मैं उसी दिन जो है वो कन्वर्ट करके दूसरे वाले फंड में एक फंड के अंदर जिस तरह फॉर एग्जांपल मिजान के अपने मल्टीपल फंड्स हैं ठीक है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यू के अपने मल्टीपल फंड हैं एक फंड विद इन यू के मल्टीपल उसमें आप कर सकते हैं उसमें है। कोई इशू नहीं है बट इफ़ यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम वन फंड के मैंने UBL बी एल से निकाल के मिज़ान में करने नहीं करना दैट्स एट होल टी डी एस प्रोसेस पहले तीन चार दिन में आपको वो कैश आउट होगा नए उसकी कैलकुलेट होगी कुछ होगी एक चीज मैं सॉरी बताना बोल गया कि म्यूचुअल फंड में जो चीज है ना वो आपकी एक अप फ्रंट के ऊपर टू परसेंट का सरचार्ज करते हैं सर्विस का ठीक है ठीक है म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मेरे ख्याल में है इस स्टिल वेरी गुड फॉर न्यू इन्वेस्टर लेकिन वो अपनी ना एक्सपेंसिस को नैफ के अंदर एडजस्ट करते हैं ठीक है जो आपके रेंटल होंगे जो आपकी सैलरीज होंगी स्टाफ की जो फंड मैनेजर है दैट विल बी एडजस्टेड इन द मार्केट का रिटर्न जो हुआ जो right. कि वो कॉस्ट ई टी एफ पे अगर आप मैं कंपेयर करूँ ना वो कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है ई टी एफ में ई टी एफ में कम वो चार्ज करते हैं इसीलिए मेरे से आप सजेशन लें डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाएँ ई टी एफ इज़ जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड सिर्फ आपको बेनिफिट ये होता है कि आपके हाथ में है कि कब आपको कैश आउट होना है म्यूचुअल फंड में जाएंगे तीन चार दिन लगेंगे आपको कैश आउट होने के लिए अगेन इट एटविल डॉ एफ जो है ये मैं बैंक्स के थ्रू ही जाता हूँ नहीं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाते हैं इट्स जस्ट ट्रेडिंग लाइक एनी कंपनी इन स्टॉक अच्छा वो हम ऑलरेडी में हैं। are, uh, well, जहां पे हम चाह रहे हैं। मुझे तीन हफ्ते लगे थे ब्रोकर खोलने में। अभी तो काफी चीजें एस ने बड़ी अच्छी की हैं। हाँ, साहब जो के हैं। हाँ। और है उन्होंने मुझे बताया कि जब डिजिटल ब्रोकर अकाउंट भी खोल रहे हैं अभी आपका विद इन ए डे भी अकाउंट खोल जाता है ठीक है तो वो सारी चीजें बड़ी अच्छी और ठीक है तो वो ना हम कोशिश करें कि हम इस प्लेटफॉर्म को ही कन्वर्ट करें। तो यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अ रॉबिनहोट सॉर्ट ऑफ़ अ सिचुएशन। नॉट नाउ बट अगेन वी नीड टू प्रेजेंट एंड अभी तो देखे आप मैं अगेन एक चीज़ मैं बताना भूल गया वी व्हेन आई मेड दिस एप्लीकेशन ठीक है। आई वेंट दार्केट के यार मैंने बड़ी जबरदस्त अपलिकेशन बनाई है इसको तो लोग यूज़ करेंगे तो लोग कहेंगे वाह वाह यार इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली नहीं है आई वॉर सरप्राइज के यार सिर्फ चालीस हजार लोग हैं इक्कीस करोड़ की वहां में जिनका सी डी सी के साथ अकाउंट है right. हैं तो डाइलाक रजिस्टर्ड लेकिन वो सारे बेचारे आए इन्वेस्ट किया मार खाई वापस चले गए लेकिन टोटल right. तो एक्टिव है ही फोर्टी थाउजेंडन आई इस था यार आइडियो को फ्लिप करते हैं ना वाइड ऑलरेडी जो इन्वेस्ट करें वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे दे विल सी हम क्या वैल्यू एड करें बट नाउ वी आर टारगेटिंग जिस तरह आपने एक किया हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ठीक है लोन इवन इफ यू नीड टू इन्वेस्ट तो उस चीज को टारगेट करने के लिए हमने इस आइडिया को थोड़ा फ्लिप किया देन वी बेसिकली ब्रॉड इन मोर सॉर्ट ऑफ एसेट्स कि यार आप स्टॉक एक्सचेंज को ना देखें यू लुक एट दी अदर म्यूचुअल फंड एज वेल एक चीज जो बहुत हम इंपॉर्टेंट करते हैं वो हमारी है फंड मैनेजर रिपोर्ट जिस तरह आई डोंट नो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो फंड मैनेजर रिपोर्ट क्या करती है ना म्यूचुअल फंड की आपको बताती है जी आपने इस एसेट में इन्वेस्ट किया था ये आपको रिटर्न मिला वो किया हम हर जो बंदा इन्वेस्टर है वो हमारे लिए फंड मैनेजर ही है वी ट्रीट हिम लाइक ए फंड मैनेजर वी डू एन एनालिसिस एन ऑटोमेटेड एनालिसिस हाउ मच मनी डिड यू इन्वेस्टेड लास्ट मंथ कितना आपने इन्वेस्ट किया कितना आपको रिटर्न मिला देन हम आपको एक, एक पिक्चर मिरर भी दिखाते हैं कि यार आपको जो तीन परसेंट मार्केट को तो रिटर्न मिला अच्छा सो आप उसको यूजिंग uh, डेटा भी, भी बता रहे होते हैं कि वो तो स्टार्ट टू लर्न एज वेल सॉर्ट हा 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 ये और अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीपल नीड टू स्टार्ट लर्न सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी बंदे की जो इस ब्रॉडकास्ट में देख रहे हैं उसके लिए ये है कि उसको अब जिस तरह मैंने अपने आप पे इन्वेस्ट किया मैंने अपने आप को एजुकेट किया यू नॉट ओनली इन्वेस्ट यू विल एजुकेट योरसेल्फ ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इनिशियली आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज है जो आपको एक दो साल तक यू विल बी एजुकेटिंग योर सेल्फ एक लर्निंग कॉस्ट है आपको, शायद कुछ, losses करके mm. शायद कुछ आपको और देखिए दो चीजें या तो आप आएंगे एकदम जिस तरह मुझे म्यूचुअल फंड में ट्वेंटी सिक्स परसेंट का रिटर्न मिली आई वॉज मोर क्यूरियस आई इन्वेस्टेड अलॉट ऑफ मनी डायरेक्टलिंग स्टॉक एंड देन आई रियलाइज के, के राइट टाइम नहीं था ठीक है राइट right. और यू विल बुक लॉसेज एंड यू विल से नहीं यार मैं नहीं आ सकते इसके सो कम विद मनी विच यू कैन बेसिकली अफोर्ड ठीक है कि आपने दो तीन चीज हमने बात की कि पच्चीस फीसद लगाए उसमें सारा पैसा उसमें लगा के आपको क्या जरूरत है लगाने की ठीक है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आप उतना इन्वेस्ट करें जो आपकी अपनी उसमें लिवरेज नहीं करना आपने जिस दिन आपने लिवरेज कर दिया आप टेंशन आ गई ये भी नहीं करना यार मेरे घर का जो चूला है ना वो स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न से मिलेगा ठीक है दिस इज समथिंग जिस तरह मैंने कहा ना आई एम बिल्डिंग एन एसेट फॉर माय फ्यूचर जनरेशन जो भी आ रही है ठीक right. right. है यू नीड टू स्टार्ट सेटिंग अप सम गोल ठीक है अपने, आपने रिटायरमेंट होम बनाना है जो भी बिल्कुल, करना है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. वो सारी चीजें आप उसमें राइट अच्छा सो आपने बेसिकली जो मुझे ये तो बता दिया कि यू नो इफ आई इफ आम एन इन्वेस्टर लाइक लाइक यू सेट चालीस हज़ार बंदा से टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है ठीक है आई एम श्योर के जो पॉडकास्ट देखेंगे उसमें से तो कुछ लोग विल गो थ्रू द टी डी एस प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू अ ब्रोकर एंड वट एवर बट ऑबियसली जो के अलावा लोग होंगे वो म्यूचुअल फंडस में चले जाएंगे बता सिंपल चीज़ों एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ करेंगे um, अगर मैं एज ए यूजर ऑफ़ योर ऐप इफ़ आई कम ऑन बोर्ड तो क्या मुझे पैसा लगाना एज एन इन्वेस्टर लाजमी है अलॉट ऑफ टाइम्स बाहर की यूनिवर्सिटी uh, you know, प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें मैं वर्चुअल जैसे वो कहते ना वो स्पोर्ट्स वो वालों का होता है कि आप अपनी टीम बना लेते हैं और आप उसके पॉइंट्स पे देखते mm -hmm. हैं uh, तो क्या इज़ देर एन अपर्चुनिटी फॉर मी टू जस्ट शॉर्ट ऑफ लर्न एज एन इन्वेस्टर कि मैं रियल टाइम डेटा को इस्तेमाल करके मैं करूँ कि अगर मैंने पाँच शेयर खरीदे हैं किसी उसके तो वो मेरा कितना रिटर्न है विदाउट एक्चुअली पुटिंग इन द मनी बिल्कुल बिल्कुल हाँ सबसे अच्छी बात हमारे प्लेटफॉर्म की है ये देखें वी हैव केप्ट इट ओपन फॉर एवरी वन आइडिया क्या है कि आप साइन अप करें अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं यू विल गेट एन ऑप्शन कि आपने किन स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ठीक है लेट्स रिज्यूम कि आपने अभी फिजिकल कैश इन्वेस्ट नहीं किया है बट यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट इन एन ऐप ठीक है आप पंच करेंगे यार मैंने फॉर एक्जाम्पल पी ई एस ओ मैंने लिया है या कोई और कंपनी मैंने ली है ठीक है तो ऑटोमेटिकली वी विल गिव यू द रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन ए रियल ऐप जस्ट लाइक right. like आपने कहीं पे फिजिकली किया हुआ है इफ़ यू यू हैव एन अकाउंट एंड डू और अच्छी चीज ये है कि नॉट ओनली आप अपना वो ट्रैक कर सकते हैं वी हैव ऑल्सो गिवन कोर फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी इन अवर ऐप एज वेल ठीक है आप डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू भी देख सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं राइट right. किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया पिछले पंद्रह दिन में तीस दिन में किस म्यूचुअल फंड uh, किस ईटीएफ ने कितना रिटर्न दिया कौन सी कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है उसकी बुक वैल्यू क्या है दस कोर फंडामेंटल्स हमने ओपनली लोगों को दिखाए हैं आइडिया मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा के हम मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की है कि ब्रोकर की ऐप के अंदर तो बहुत अच्छी एनालिटिक्स आपको मिल जाती है लेकिन ब्रोकर की ऐप तक पहुंचेंगे कैसे ठीक है सो वी आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन बेसिकली टिंग गिविंग एक्सेस टू ऑल ओवर यूजर्स कि आप hmm. उस डेटा को देख के कोई डिसीजन लें एंड देन स्टार्ट लुकिंग एट द डटा ऑफ पर्याडिकली जब भी आपके क्वार्टरली चीज आती है तो हम जिस तरह आपने बात बिल्कुल सही की हमारी ऐप के अंदर आप विदाउट डूइंग एन इन्वेस्टमेंट जस्ट एज ए डेमो अकाउंट आपको ओपन अकाउंट करें आप उसके साथ अपनी ट्रेड उसको देखें कि आपकी इवेस्टमेंट कैसे जा रही है और जो एनालिटिक्स होपली हम प्रोवाइड करें दैट विल बी ए अर्निंग एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ एज वेल कि हिस्टोरिकली आप अपने ट्रेंड को देख सकते हैं वंस यू आर रेडी कि आपने मार्केट में जाना है या आपका फिजिकल अकाउंट खुल गया

आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म इट कि आप एक साल बाद कह सकें यार सात परसेंट की इन्फ्लेशन थी सोलह परसेंट का हमारा रिटर्न है एंड ऑफ द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसरा मैंने अभी आपको स्टेटिस्टिक्स दिए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे होफुली बीस साल बाद आप कह, कह रहे हो यार कि ये जो बीस हज़ार मैंने इन्वेस्ट किया था सी आई हैव गॉट टेक्स वाइज ये रिटर्न एड अगर ना करता तो इन्फ्लेशन की वजह से सेंस लाइक भाई थैंक यू सो मच दिस वाज अगेन वेरी इंसाइटफुल मैं खुद सच्ची बात है कि वेल एनी लास्ट वर्ड लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जी जी अभी खैर चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है जब हम बीस साल बाद एनाल करते हैं बट आई थिंक वन थिंग इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ट्वेंटी ईयर्स अको बट दी सेकेंड बेस्ट टाइम वेन यू नीड टू इन्वेस्ट इज राइट नो आई थिंक पीपल नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फ्राम दिस परस मैंने एक आई थिंक एक मैंने स्टडी देखी थी कि टू थाउजेंड थ्री से थर्टीन तक की यू एस के अंदर ना एक एनालिसिस हुआ कि यार वो कौन से लोग हैं जिनको सबसे अच्छा रिटर्न मिला ठीक है सो दिस स्टडी फाउंड आउट कि यार जो लोग मर चुके हैं ना उनका सबसे अच्छा रिटर्न है सो देर इज़ नो इमोशंस अटैच एंड दिस इज ए इन्वेस्टमेंट विच इज़ गिविंग दैम ए गुड रिटर्न सो आइडिया यज के यार आप अपनी चीज़ें अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें डोंट गो इन टू स्मॉल स्टॉक्स जो कि अच्छी फंडामेंटली नहीं है एंड लुक एट द लॉन्गर बड़ी पिक्चर देखे कि आपको लॉन्गर पीरियड में उसको आपको रिटर्न कैसा मिलेगा सो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म होपफुली कैन बी ए गुड आउट ऑफ ए स्टार्टिंग थिंग फॉर न्यू इन्वेस्टर जो कि चीज़ें सीखना चाहता है वी आर ट्राई टू गिव एन एजुकेशन इन दिस प्लेटफॉर्म एज वेल एंड होप इन फ्यूचर काफ़ी चीज़ें जब और लोग आ जाएंगे तो वी कैन बिल्ड समथिंग बेटर इन फ्यूचर एज वेल मेक्सर सेंस भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एन Uh, I wish you all the success with the platform Thank as well. You. Just for, the, for, for a disclaimer, this is not a paid podcast. Like, I experience, but I But I personally think his product is very good. I think I don't see You don't have paid accounts. You're not really making money out of it as well. So, I mean, right now, there's more of a a utility that he's providing to to. Uh, I've made a lot of money because of this product, and I'm uh -huh. basically reinvesting in this platform so people can also make money out of this as well. Makes a lot of sense. Thank you so much for coming in. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ आप कोई जानने वाला जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट में पांच आठ दस लाख रुपया पड़ा हुआ है और वो पड़ा हुआ है पिछले एक साल से और कहीं जा नहीं रहा सो डू ट्राई टू लुक इन टू इन्वेस्टमेंट एन इसी के साथ साथ उनको आप ये एपिसोड भी शेयर करें मे बट माई डी यूजफुल फॉर दैम अगर आपको लगता है कि आप किसी बात से डिस करते हैं किसी बात के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताएं ऑडियो प्लेटफॉर्म से सुनने वाले अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो उनको आने वाली अपिसोड की नोटिफिकेशन मिलेगी यूट्यूब के ऊपर लाइक का बटन दबाएंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी और ज्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्जेशन पहुंचेगी Because I thought this was the same as the lesson Zeddy. You were watching the Hard Brain Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.